आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय जो आत्मविज्ञान को पुष्ट करेगा, आत्मविज्ञान को सिद्ध करेगा, वह है चित्त और मन। बहुत ही सुंदर विषय है। सामान्य बोलचाल की भाषा में और कई कई धार्मिक ग्रंथों में चित्त और मन को एक ही बताया गया है, लेकिन हम इसकी गहराई में जाएं, इसका भेद करें, इसकी व्याख्या करें, इसको हम गहराई से समझें, तो ये बिल्कुल अलग है। सामान्य भाषा में तो एक ही कहा जाता है, पर रियलिटी में बिल्कुल अलग है। हम दोनों की पहले परिभाषा करेंगे, दोनों का आपस में अंतर संबंध जानेंगे, और अंतर संबंध जान करके वो कैसे जुड़े हुए हैं। वैसे चित्त और मन एक सिक्के के दो पहलू है और एक दूसरे के पूरक है। चित्त के बिना मन काम नहीं कर सकता, मन के बिना चित्त काम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते। वो दोनों अधूरे हैं। वो पूरे पूर्ण कब होते हैं? जब दोनों मिलते हैं। तो पहले हम एक एक की परिभाषा करेंगे। पहला मन। मन के दो कार्य है कि हमारा जो पांच इंद्रियों का जो जगत है, वो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, स्पर्श करना, रसन का मतलब चखना, घ्राण का मतलब सूंघना, और श्रोत का मतलब जो है वो सुनाई देना, आँख का मतलब देखना, इसके द्वारा हम 23 तरह के विषय भीतर लाते हैं। ये काम इंद्रियों का है। ये काम करके इंद्रियों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। ये लाकर के मैनेजर, देखिए बड़ी फैक्ट्री होती है तो वर्कर का काम क्या है, उसका जो निर्धारित आउटपुट है वो लाकर के मैनेजर को बता देना, ये कर लिया, ये हो गया, ये नहीं हो पाया। ये मैनेजर का काम है कि फिर उसको पार लगाना। तो मन है, मैनेजर है, इन इंद्रियों के विषय को जो है उस पर संयोजना करता है। क्या संयोजना करता है? वह भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वह बुद्धि को दे देता है। बुद्धि निर्णायक होती है, बुद्धि जज का काम करती है। तो ये मन का एक काम हुआ मैनेजर बनना। मन का दूसरा काम हुआ कि ये भूतकाल की जो है स्मृति में चला जाता है कि मैंने उस गांव में जन्म लिया, मेरे जो है वो माता पिता है, और मैं 10 वर्ष का था तो मुझे माता पिता प्यार करते थे, मैं उस स्कूल में पढ़ता था। भूतकाल की स्मृति में चला जाता है और भविष्य की कल्पना में चला जाता है कि मुझे दूसरी फैक्ट्री बिठानी है, इतना प्रोडक्शन लेना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, बड़ा नेता बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो हमारे सामने होता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण हम जीते हैं। ये हमारा भूत और भविष्य जो है ये तो कल्पनाएं हैं और इनको हम खंड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय में जाना जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसमें जाना जरूर होगा, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान से खंड बनता है, अखंड बनता है, और तीनों खंड खंड होते हैं, लेकिन समय सारा वर्तमान में जीना चाहिए। जो वर्तमान में जीता है वो साधक होता है। वर्तमान में जीने वाला जो है वह जो है बहुत बड़ा वो ध्यान की प्रक्रिया में आता है, वो भावक क्रिया में रहता है, और एक ऐसा गुण है जो कि आपको आगे सिद्धि तक ले जा सकता है। तो मन की बात कर रहा, लेकिन मन पौद्गलिक होता है, मन नाशवान है, और मन को जेनरेट किया जाता है। मन को जो पैदा किया जाता है अपने आप पैदा नहीं होता। मनन से पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मन है। मनन करते हैं जब सोचते हैं, मन पैदा हो जाता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि मन से अमन बनना। मन 24 घंटे विचार करता है, जितने भी विचार आते हैं, सपने में भी विचार आते हैं, शरीर सोता है और हमारी जो ये वाणी है वो चुप हो जाती, मौन हो जाती है, बुद्धि मौन हो जाती है, चित्त मौन हो जाता है, लेकिन मन तो विचार करता रहता है, सपने में भी सोचता है। जब हम नींद ले रहते हैं तो मन जगता रहता है। तो ये हमारा मन पौद्गलिक है और मन नौकर है, और मन पैदा किया जाता है, और मन से अमन होने का अर्थ होता है मुक्ति। जब
हमारी आत्मा से मन हट गया तो मुक्ति हो गई। मन जुड़ा हुआ है कारमन शरीर से, कारमन शरीर से जो उदय आता है या कारमन शरीर में बंद होता है, उस दोनों स्थितियों के अंदर मन होता है। मन के माध्यम से ही कर्मों का बंधन होता है, कर्मों का छुटकारा होता है, निर्जरा होती है, संवर होता है, सब कुछ मन से माध्यम से होता है। क्योंकि मैनेजर है, मैनेजर के माध्यम से ही जो है दुकान चलती है, फैक्ट्री चलती है, बैंक चलती है, घर चलता है। घर का भी मैनेजर उसका मुखिया होता है। मैनेजर बिना कहीं कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि सारी जो दृष्टि है उसकी चलती है, सारा जो वर्किंग उसी का होता है, सारी जो है वो जिम्मेवारी उसी की होती है।